नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रो पे अकाउंट कैसे बनाएं, मतलब डीमैट अकाउंट ग्रो पे कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग ग्रो पे अकाउंट बनाना चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे बनता है, तो इसका फुल प्रोसेस फुल रिव्यू वीडियो है। मैं पूरा एक एक लाइन करके बताऊंगा, आप अच्छे से समझना। स्क्रीन शेयर करूंगा कि आप जो है कैसे ग्रो पे अकाउंट बना सकते हैं, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा लास्ट तक। क्या बनता है, कैसे बनेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब आपस में लगे होने चाहिए। जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए जिस पे ओटीपी आ जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार रहना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों पे डेट ऑफ बर्थ, जो दोनों पे नाम, मतलब पैन और आधार पे नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, आधार पैन आपस में लिंक होना चाहिए। इन सब इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पैन आधार ओनली बस। और इसमें कुछ नहीं लगता है, ना इनकम प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बिगिनर्स हैं, क्या करते हैं, कमाते हैं कितना, बस। और एक नॉमिनी, नॉमिनी डिटेल्स वो आप स्किप कर सकते हो, बाद में भी आप उसमें ऐड कर सकते हो और नॉमिनी को बाद में चेंज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहो लास्ट तक, मैं फुल रिव्यू वीडियो है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ग्रो पे अकाउंट कैसे बनाएं आप देखिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन पे आते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मोबाइल नंबर डाला, अब यहाँ पे ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे, अब ये ग्रो पिन मांग रहा है और यहाँ पे सर दोबारा यहाँ पे ग्रो पिन बनाने के बाद एक कंफर्म पिन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक ऐसा पिन जो आपको हमेशा याद रहे, तो ये जैसे हमने पिन बना लिया, दोबारा से कंफर्म पिन करेंगे, अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गया आपका, एक सिक्योरिटी पिन बन गया। अब क्या है, ये तीन लोकेशन है, फ़ोन कॉल SMS लोकेशन, इन तीनों को इनेबल करना है। तो हम सबसे पहले फ़ोन कॉल को इनेबल करेंगे, फिर SMS को और फिर लोकेशन को, ठीक है। तो ये हमारी अब लोकेशन को ऑन कर लेते हैं, ये हो गया, तीनों मैंने जो है लोकेशन अपनी जो है ऑन कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, सिम वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये हो चुका है। हमारे पास ICICI बैंक है, तो हम ICICI बैंक पे अकाउंट बनाएंगे अपना, जो कि यहाँ पे लिंक हो चुका है मैंने जो किया, ठीक है। आपके पास जो बैंक है उसको ले लेना। अब हम यहाँ पे पैन कार्ड डालेंगे। जो जो बंदा अपना जो है अकाउंट, डीमैट अकाउंट बनाना चाहता है, वो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेगा। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं। पैन कार्ड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा नाम और आधार, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो पैन नंबर आ चुका है। अब आप करते क्या हो, आपका क्या व्यवसाय है, प्राइवेट सेक्टर सर्विस है पब्लिक, तो हम प्राइवेट सेक्टर में हैं। अब यहाँ पे मदर नेम और फादर नेम, ये दोनों चीज़ हम डाल लेते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब आपकी इनकम कितनी है, सिर्फ पूछ रहा है आप कितने कितना कमाते हो, तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में। मैरिटल स्टेटस नो। अब आधार नंबर OTP वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, अपना आधार नंबर डालने के बाद। अब OTP आएगा जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब जो है ग्रो KYC होगा, यहाँ पे KYC को जो है अपडेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना आधार नंबर डालना है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाला। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा OTP आ चुका है, अब हम अपने OTP को यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये प्रोसेस हो रहा है। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे आए हैं। अब हम यहाँ पे इसका सिक्योरिटी पिन जो आप बना रखे हैं, तो वहाँ पे ये मांग रहा है। फिर यहाँ पे जो उसका MPIN है वो डालने के बाद, मतलब सिक्योरिटी पिन डालने के बाद डन करेंगे।
तो जो भी आप अपने डिजी लॉकर का पिन बना के रखे हो, अगर नहीं है तो फॉरगेट पे चले जाओ और रिसेट हो जाएगा आसानी से मोबाइल नंबर के ओटीपी के द्वारा। तो ये हमने डन किया यहाँ पे अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालने के बाद। कुछ रॉन्ग हो रहा है शायद, मैं भूल गया हूँ, दोबारा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा 6 डिजिट का पिन डालें तो ये हो चुका है। अब हम डिजी लॉकर के अंदर हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा केवाईसी के लिए डिजी लॉकर से। तो यहाँ पे जो है हम इसको अलाउ करेंगे, यहाँ पे डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट जो है ये सक्सेसफुली हो चुका है। ग्रो केवाईसी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ले जाके ये हो चुका है, और ये यू है सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। ग्रो को आपके डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रांट एक्सेस टू योर लोकेशन, लोकेशन इनेबल मांग रहा है। ठीक है, ये हो चुका है। अब एक सेल्फी मांगेगा, ठीक है, सेल्फी फॉर केवाईसी, केवाईसी के लिए सेल्फी देना पड़ेगा। सेल्फी पे हम आ जाते हैं, तो सेल्फी पे जो है जो भी है आपका, तो ये हो गया। जैसे कि ये बिल्कुल आप चेहरे के सामने अपने मोबाइल को रख के इसको कैप्चर करना। ठीक है, सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। चेकिंग फॉर योर सेल्फी हो गया, ये आपका डन करिए। अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, तो सिग्नेचर जो है वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे साइन करना रहेगा। तो प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम कैलाश। ये हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जो है एड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत मैंडेटरी है, ये करना ही है आपको। तो सबसे पहले हम नॉमिनी ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैं अपने पापा जी का नाम यहाँ पे करूँगा, तो फादर्स नेम जो भी है आपके वो आप यहाँ पे डालना। यहाँ पे फादर का नाम जैसे हमने डाला, उसके बाद फादर हैं, रिलेशन मांग रहा है तो फादर करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका डॉक्यूमेंट का एक आईडी, जैसे आधार, तो आधार का नंबर वहाँ पे मांगेगा। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट आईडी टाइप, जैसे पहले डेट ऑफ बर्थ एम्प्टी है तो डेट ऑफ बर्थ पहले हम डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने आधार नंबर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आधार नंबर पे जो है आधार का नंबर डालेंगे अपने नॉमिनी का, पापा का जो है आप अपने नंबर डालना है यहाँ पे। नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो मैंडेटरी है ये डालना ही पड़ेगा आपको, तो ये डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक करते हैं, ग्रीन चैम्बर पे फिनिश नॉमिनी एडिशन जो लिखा है यहाँ पे करते हैं, प्रोसेस होगा। फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन डॉक्यूमेंट जो है करना रहेगा आपको, अभी साइन होगा आधार के द्वारा। आगे प्रोसेस पे, अभी कुछ प्रोसेसिंग करा, थोड़ा नेट स्लो है हमारा, इसीलिए थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब हम आ चुके हैं अपने अगले वाले पेज पे, तो प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो चुका है हमारा। अब हम आ चुके हैं डिजियो के अंदर। ये हमारी जो है डिजी लॉक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है ओटीपी डाल के वेरीफाई एंड साइन इन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे
हमारा OTP आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आ गया है। तो अब जो है हम यहाँ पे सबमिट करेंगे इसको और वेरीफाई एंड साइन कर देंगे। ठीक है, कुछ गलत हो गया था। तो वेरीफाई एंड साइन इन पे जाएंगे अब हम। उसके बाद अब जो है डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, आपके डॉक्यूमेंट जो भी साइन हो रहे थे नॉमिनी के लिए वो हो चुका है, अकाउंट सेटअप हो चुका है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और अकाउंट सेटअप होने में अब फिनिशिंग हो रहा है, फाइनल टच आएगा। अब देखना, कांग्रेचुलेशंस कैलाश, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स नाउ। तो एड मनी टू इन्वेस्ट, तो ये अकाउंट डीमैट अकाउंट आपका खुल चुका है। अब अंदर का थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अकाउंट जब खुलता है तो अंदर क्या थोड़ा रहेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि हम यहाँ पे स्टॉक्स पे आ चुके हैं, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, ठीक है। तो स्टॉक्स पे क्लिक करें तो ये जो इसे अकाउंट हमने अभी बनाया है, तो ये लिख के आ रहा है अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, ये चीज़ लिख रही है यहाँ पे। योर डॉक्यूमेंट आर बीइंग वेरीफाइड, यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स इन 48 आवर्स। ठीक है, अंदर का लुक थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अपने अभी स्टॉक्स पे क्लिक था, म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करके जो है आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड पे हम आते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये साले जैसे हाई रिटर्न, SIP विथ 100, टैक्स सेविंग, इन सब का जो है यहाँ पे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जैसा कि मैंने समझाया और स्क्रीन शेयर की जो है कैसे आप ग्रो पे डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।